हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे प्लॉटिंग एरिया वन गोवा बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट बिचोलिम नॉर्थ गोवा। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम वन गोवा रखा गया है और उसके नीचे आप देखेंगे द वाइब रखा है। तो वाइब इसके लिए रखा गया है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यूरोप में एक आइलैंड है स्पेन में, दैट इज एबेसा, वहाँ से इसका ये थीम लिया गया है। तो इसके लिए इसका नाम नीचे द वाइब रखा गया है। तो सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये मास्टर प्लान है और ये पूरा जो लैंड पार्सल है, ये 130 एकड़ का लैंड पार्सल है। ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं, ये एमिनिटीज एरिया है जो कि समवेयर अराउंड 23 एकर्स का है। और यहाँ पर आप देखेंगे 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया गया है जो कि ग्राउंड प्लस वन लेवल का क्लब हाउस होगा। और इस तरफ आर्टिफिशियल बीच और आर्टिफिशियल सी बनाया गया है। और आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज़ है वो सारे सेंटर में यहाँ पर दिया हुआ है। तो मोर देन 50+ एमिनिटीज़ दिया हुआ है और ये सारे लग्जरी एमिनिटीज़ हैज़ गुड एज़ 5-स्टार रिसोर्ट टाइप एमिनिटीज़। और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे ये सारा प्लॉटिंग एरिया है। तो अब डेवलपर ने ये साइट का जो पार्ट है, ये दिस इज सोल्ड आउट नाउ। अब इस तरफ का पोर्शन और ये वाला पोर्शन अभी सेल में है। प्लस इस प्रोजेक्ट में 3,500 स्क्वायर फीट रिक्रिएशन पार्क दिया गया है, मिनी गोल्फ एरिया होगा, ओपन लॉन एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो बिचोलिम यहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज़ नॉर्थ गोवा। बागा बीच अगेन 40 मिनट्स का ड्राइव है, पंजिम 40 मिनट्स, बेसिला ऑफ बॉम जीजस 30 मिनट्स और मोपा एयरपोर्ट जो कि केसरवाने में है, जो कि अभी भी शुरू हुआ एक साल पहले, यहाँ से 40 मिनट्स के रन अप पर है। और यहाँ से आप गोवा के कोई भी लोकेशन पर आप इजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव में सेक्टर 28 में 182% प्लॉट में ग्रोथ देखा गया है। HSR बेंगलोर में 150% का ग्रोथ देखा गया है और नवी मुंबई सीवुड में 87% का ग्रोथ देखा गया है। तो गोवा में इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो गोवा इज़ वन ऑफ द टॉप 15 ट्रैवल डेस्टिनेशन। हर साल यहाँ पर टूरिस्ट 139% से हर साल बढ़ रहा है और मोपा एयरपोर्ट आने से अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट्स बढ़ना शुरू हुआ है। सो गोवा एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। 32 5-स्टार होटल्स आर देयर इन गोवा और ऑल ओवर इंडिया से नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर ग्लोब से लोग गोवा आना चाहते हैं बिकॉज गोवा इज़ बेसिकली इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। मैनी बीचेस आर देयर ओवर ईयर, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर इन बीचेस। प्लस गोवा को इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिलता है। तो मुंबई गोवा हाईवे NH66 जो है, ये 471 किलोमीटर का 4-लेन हाईवे है। तो ये हाईवे इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। आप बाय रोड मुंबई से 6 आवर के ड्राइव पर आप गोवा पहुंच सकते हो। और कोंकण एक्सप्रेसवे जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, दिस इज़ ऑपरेशनल। और यहाँ से मुंबई से आप गोवा मैक्सिमम 7 घंटे के रनअप पर आप पहुँच सकते हो। गोवा में अटल सेतु ब्रिज बन रहा है विच विल बी कनेक्टिंग टू नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। दिल्ली मुंबई डायरेक्ट हाईवे इज कनेक्टिंग टू गोवा जो कि 8-लेन वाइड होगा एंड दिस विल बी 1,350 किलोमीटर। सो फ्रॉम दिल्ली यू विल रीच गोवा बाय रोड विद इन 18 आवर्स। डेबोलियन एयरपोर्ट इज हैंडलिंग अराउंड 80 लाख पैसेंजर्स पर एनम। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर साल 3.3 करोड़ पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे। तो पैसेंजर्स का मतलब डेफिनेटली ये सारे टूरिस्ट है। तो गोवा में दोस्तों, जो प्लॉटिंग एरिया है, जो लैंड डेवलपमेंट है, ये बहुत ही लिमिटेड है। पूरे गोवा का अगर आप 100% अगर आप लैंड देखेंगे तो उसमें सिर्फ 0.2% लैंड जो है, डैट इज़ फॉर डेवलपमेंट एंड सेल। प्लस इस प्रोजेक्ट के पास में ही कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, फॉरेस्ट है, स्कूल्स है, टूरिस्ट विजिटिंग स्पॉट्स है, मार्केट्स है। तो यहाँ पर जितने भी एमिनिटीज़ है दोस्तों, इट इज़ हैज़ गुड एज़ 5-स्टार होटल। और प्लस डेवलपर इस प्लॉटिंग एरिया में सेपरेटली एक 5-स्टार होटल्स भी लेकर आएंगे।
अब उसका नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। और ये सारे एमिनिटीज़ का जो मेंटेनेंस होगा वो 5-स्टार होटल ही मेंटेन करेगा। प्लस हैज़ ए मेंबर अगर आपको भी उस 5-स्टार होटल में रुकना है तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सो वन गोवा बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इज़ अ 5-स्टार ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट इन गोवा। सो 130 एकर काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, ये काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, लार्जर देन प्रगति मैदान इन दिल्ली। ग्राउंड प्लस वन का ब्रांडेड क्लब हाउस है जो कि 40,000 स्क्वायर फीट का ये क्लब हाउस है, जिसमें आपको नाइट क्लब, इंडोर पूल, जाकुजी, स्पा एंड सोना और इसके अलावा बहुत सारे एमिनिटीज़ होगा। आर्किटेक्चुरल मार्वल इज़ क्रिएटेड बाय एंजाइम APD। सो एंजाइम APD इज़ अ इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनी। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 एकर का मैन मेड सी और बीच है, और बीच को लगकर ही बीच साइड कैफे है, कबानास, परगोलाज, लॉन्जर्स, जोन फॉर बीच वॉलीबॉल परफॉर्मेंस एंड मच मोर। और यहाँ पर और क्लियरली आप देख पाओगे मैन मेड बीच, सिट आउट जोन विथ पाम ट्रीज, आउटडोर डाइनिंग एरियाज, कॉकटेल बार्स, बीच स्पा एंड सन बाथ एंड मच मोर। तो दिस इज द क्लब हाउस एरिया, और यहाँ पर आपको जिमनेजियम, बैंक्वेट हॉल, इंडोर पूल, स्पा एंड सोना, मल्टी कुशन रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स जोन एंड मच मोर। और क्लब हाउस को लगकर काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है। एंड हियर यू विल सी दिस इज मल्टी कुशन रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा एंड अल्फ्रेस्को डाइनिंग जोन, जैपनीज जेन गार्डन, इवेंट लॉन्स, पिकनिक स्पॉट, रिवर वॉक पार्क, बॉनफायर पीट, मिनी गोल्फ, चिल्ड्रंस प्ले एरिया एंड मच मोर। सो फाइनली वी कम टू द प्लॉट साइजेस। यहाँ पर मिनिमम जो प्लॉट एरिया है डेट इज 1,247 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस 59,99,000 है ऑल इन प्राइस। इससे बड़ा 1,537 स्क्वायर फीट है और इसका प्राइस 84,87,000 है, और इससे बड़ा 1,849 स्क्वायर फीट है, अगेन प्राइस इज 88,29,000 ऑल इन प्राइस। और इसमें आपको 0.8 का FSI मिलता है, डैट मीन्स यहाँ पर आप ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस प्रोजेक्ट का होगा अक्टूबर 2026 में। तो दोस्तों अभी आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है विच इज़ 45,000 रुपीज़, जिसमें लॉन्च वाले दिन आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। बुकिंग के लिए और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to the channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.